हाय दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम फैक्टोजर टेक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे क्रेजी टेक्नोलॉजी कंटेंट देखने के लिए। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप या मोबाइल होगा तो उसमें भी एलसीडी स्क्रीन जरूर होगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलसीडी स्क्रीन वर्क कैसे करता है और एलसीडी स्क्रीन होता क्या है? तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। आज हम आपको बताएंगे कि एलसीडी स्क्रीन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि एक डिस्प्ले में लाखों पिक्सल्स होते हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, 4K डिस्प्ले की बात करें, 4K डिस्प्ले में लगभग आपका 3840x2160 पिक्सल्स होते हैं। और दोस्तों, हर एक पिक्सल की अगर बात करें तो वो बना होता है तीन तरह के सब पिक्सल को मिला के, और वो तीन तरह के सब पिक्सल हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। दोस्तों, यही आरजीबी कलर पिक्सल के वजह से हमें डिफरेंट कलर के इमेजेस दिखते हैं, क्योंकि जब ये तीनों पिक्सल मिलके आपस में कलर चेंज करते हैं तो डिफरेंट कलर की फ़ोटो हमें मिलती है। और यही सारे पिक्सल्स मिलके अगर कलर चेंज करते हैं या कोई इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी स्क्रीन में आपका लिक्विड क्रिस्टल पाए जाते हैं दो ग्लास सरफेस के बीच में। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बीच में क्या क्या पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें पोलराइजर पाए जाते हैं और बीच में आपका लिक्विड क्रिस्टल लेयर पाया जाता है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं तो स्क्रीन के पीछे एक कंटिन्यूस लाइट लगी होती है, वहाँ से लाइट पास करती है पोलराइजर फिल्म पे। और पोलराइजिंग फिल्म क्या काम करता है कि अननेसेसरी लाइट को फिल्टर करता है, यानी जो चीज़ डिस्प्ले करवाना होता है केवल उतने ही लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है। फिर ये लाइट जाती है लिक्विड क्रिस्टल के पास। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लिक्विड क्रिस्टल है वो पोलराइज होके अलाइन हो जाते हैं 90 डिग्री एंगल पे, जो कि हमारे लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है 90 डिग्री, और फर्दर ये आगे पास कर देता है लाइट को। जब लाइट को आगे पास कर देता है तो एक और पोलराइजिंग फिल्म आता है। इस पोलराइजिंग फिल्म में से केवल वही लाइट पास हो पाती है जो कि नेसेसरी है या जो डिस्प्ले कराना होता है फाइनल स्क्रीन पे। और फाइनली दोस्तों, आपका इमेज डिस्प्ले हो जाता है आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।